अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और रिकर्सिव एल्गोरिथम। प्रीवियसली हमने दो रिकर्सिव एल्गोरिथम पढ़े हैं, आज और एक रिकर्सिव एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं हम? दैट इज टावर ऑफ अनाई। अब टावर ऑफ अनाई क्या है? टावर ऑफ अनाई इज बेसिकली मैथमेटिकल पजल। इस पजल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिक। इस गेम की एक मिथ है। क्या मिथ है? कि ये गेम अभी भी खेला जा रहा है विद एन इज इक्वल्स टू 64 नंबर ऑफ डिस्क। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ डिस्क। गेम में क्या करना है? गेम में तीन रॉड होती हैं, रॉड ए बी एंड सी। गेम के अंदर पहली वाली रॉड के ऊपर अच्छा नंबर ऑफ डिस्क जो है वो साइज में वेरी करती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज होता है उनका। ठीक है, सबसे बड़ी डिस्क, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, आखिर में सबसे छोटी। ठीक है, जैसे आप लोगों को नजर आ रही है, ये है रॉड। इफ इट इज रॉड ए, दिस वन इज रॉड बी एंड दिस वन इज रॉड सी। क्या है इस गेम का ऑब्जेक्टिव? जितनी भी डिस्क रॉड ए पर हैं उन सबको मूव करना है किस पे? रॉड सी के ऊपर। ठीक है, एंड देर आर सम रूल्स। क्या रूल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ओके, द गेम स्टार्ट्स बाय हैविंग फ्यू डिस्क स्टैक्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हर डिस्क का अलग साइज होता है, छोटे से बड़ी। सबसे पहली डिस्क सबसे छोटी होती है, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, आखिरी वाली सबसे बड़ी डिस्क होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्क कैन वेरी बट देर आर ओनली थ्री रॉड्स। नंबर ऑफ डिस्क वेरी कर सकती हैं बट रॉड कितनी होंगी आपके पास? थ्री रॉड्स होंगी। ठीक है, ओके, द ऑब्जेक्टिव इज टू, क्या ऑब्जेक्टिव है इस टावर ऑफ अनाई का? इज टू ट्रांसफर द इंटायर टावर टू वन ऑफ द अदर रॉड। ठीक है, अब जैसे रॉड ए में हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क थी, उन सबको मूव करवा दिया किस पे? रॉड सी के ऊपर। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम। बट देर आर सम रूल, हाउएवर यू कैन ओनली मूव वन डिस्क एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में आप एक ही डिस्क मूव कर सकते हैं। एंड सेकेंड रूल क्या है? यू कैन ओनली प्लेस, यू कैन नॉट प्लेस द लार्जर डिस्क ऑन द स्मॉलर डिस्क। अगर एक स्मॉलर डिस्क है यहाँ पे, लेट सपोज रॉड ए पे स्मॉलर डिस्क है, इसके ऊपर मैं लार्जर डिस्क प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, ये रूल है। तीसरा रूल क्या है? आप जो एक डिस्क मूव कर रहे हैं वो टॉप वाली ही डिस्क होगी, बीच में से कोई डिस्क निकाल नहीं सकते। ठीक है, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब इसका एल्गोरिथम पढ़ते हैं। क्या है टावर ऑफ अनाई का एल्गोरिथम? एक दफा रूल्स को दोबारा देख लेते हैं। टावर ऑफ अनाई इज अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव थ्री रॉड्स एंड एन डिस्क। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पजल इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू वन टू अनदर रॉड obeying the following simple rules. कौन कौन से रूल हैं? रूल नंबर वन, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में एक ही डिस्क मूव हो सकती है। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम द स्टैक। हमेशा आप जो सबसे ऊपर वाली डिस्क होगी उसको ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टैक होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव होता है, बीच में से नहीं निकाल सकते आप कोई। ठीक, एंड प्लेसिंग इट टू द टॉप ऑफ अनदर स्टैक। जो आप टॉप से रिमूव करेंगे किसी भी रॉड से, तो दूसरे वाले की टॉप पे प्लेस करेंगे आप। ठीक है, दैट इज अ डिस्क कैन ओनली बी मूव इट इफ इट इज द अपर मोस्ट डिस्क ऑन द स्टैक। अब डिस्क तभी मूव हो सकती है जब वो अपर मोस्ट डिस्क होगी, बीच में से नहीं निकल सकती। थर्ड रूल क्या है? नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क। अगर किसी रॉड के ऊपर स्मॉलर डिस्क है तो उसके ऊपर आप बड़ी डिस्क को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं विद फोर नंबर ऑफ डिस्क। किस तरीके से सॉल्व किया है इसको, लेट मी एक्सप्लेन। इसको विजुअली एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। फोर डिस्क है, सबसे पहली जो डिस्क है स्मॉलर डिस्क, उसको मूव किया बैक रॉड बी पे। ठीक है, देन सेकेंड स्मॉलर डिस्क को मूव किया रॉड सी पे। अब जो स्मॉलर डिस्क थी रॉड बी से, उसको मूव किया किस पे? रॉड सी पे। ठीक है, देन द थर्ड लार्जेस्ट डिस्क को मूव किया बी पे। अब यहाँ से जो स्मॉलेस्ट डिस्क थी उसको मूव किया ए पे।
रूल में है कि हम लार्जेस्ट पे स्मॉलेस्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट पे लार्जेस्ट मूव नहीं कर सकते. ठीक. देन यहाँ से जो सेकेंड स्मॉलेस्ट थी उसको मूव किया किस पे, बी पे. देन यहाँ से जो स्मॉलेस्ट थी उसको मूव किया बी पे. अब हमारे पास आखिरी डिस्क बची, एन माइनस वन नंबर ऑफ डिस्क हैज बीन मूव टू रॉड बी. ठीक है. नाउ द एंथ डिस्क इज मूव फ्रॉम ए टू सी. ठीक है, ए टू सी पे मूव हो गई. अब जो स्मॉलेस्ट डिस्क है, अब एन माइनस वन नंबर ऑफ डिस्क वापस से आएंगी इस पे सी पे. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट डिस्क है उसको पहले यहाँ मूव किया सी पे, यहाँ पे जो दूसरी डिस्क थी उसको ए पे मूव किया, जो स्मॉलेस्ट डिस्क थी उसको ए पे मूव किया, यहाँ पे जो डिस्क बची उसको वापस सी पे मूव किया, इधर से जो स्मॉलेस्ट डिस्क थी उसको बी पे मूव किया. नाउ फ्रॉम ए टू सी एंड बी टू सी, फाइनली योर पजल इज सॉल्व. दिस इज टावर ऑफ अनाइ. ठीक है, एक एक डिस्क को एक ही वक्त में मूव किया, तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए. दिस वॉज द एग्जाम्पल. इफ इफ यू हैव एन इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास एन इज फोर, नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो, फोर हो, तो कितने नंबर ऑफ मूव्स में ये सॉल्व हुआ है, ये सॉल्व हुआ है 15 मूव्स में. ठीक है, अभी इसका एल्गोरिथम पढ़ते हैं, देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब इसके अंदर रिकर्सिवली कॉल करता है, क्या करता है, जैसे मैंने आपको लोगों को यहाँ पे विजुअली समझाया, जब एन माइनस वन डिस्क मूव हो गई बी पे, तो लास्ट एन डिस्क को मूव किया ए टू सी पे. ठीक है, रिकर्सिव सॉल्यूशन फॉर दिस टावर ऑफ अन्नाई विद द एल्गोरिथम, लेट्स कॉल द थ्री रॉड सोर्स, ऑक्सिलरी एंड डेस्टिनेशन. क्या नाम दिए इसने, ए को कहा सोर्स, बी को कहा ऑक्सिलरी टेम्पररी रॉड, और सी को कहा डेस्टिनेशन. ठीक है, देन मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी टावर. पहले पास में क्या होगा, पहली कॉल में एन माइनस वन नंबर ऑफ डिस्क हैज बीन मूव टू सोर्स टू ऑक्सिलरी. ठीक है, जब एन डिस्क बची, मूव द एन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन टावर. दिस इज द एंथ डिस्क, इट इज मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टावर. एंड देन मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टावर टू द डेस्टिनेशन टावर. अब ऑक्सिलरी टावर पे हमारे पास एन माइनस वन डिस्क है, इसको वापस से मूव किया फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन. ठीक है, नाउ ट्रांसफरिंग द टॉप एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू एक्सिलरी टावर कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्रेश प्रॉब्लम एंड कैन बी सॉल्व इन द सेम मैनर. अभी सेम प्रॉब्लम है, रिकर्जन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. ये है अल्गोरिथम. इस अल्गोरिथम को मैं ड्राई रन भी करवाऊंगी और समझाऊंगी. हम यहाँ पे एन की वैल्यू लेंगे थ्री, क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स हैं यहाँ पे दो, तो उन रिकर्सिव कॉल्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम टावर ऑफ हनोई विद एन इज इक्वल्स टू थ्री. ठीक है, अब सबसे पहले एन की वैल्यू है थ्री, हमारे पास थ्री रॉड हैं, रॉड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी. कितनी रॉड है हमारे पास, थ्री, ए ए पे थ्री रॉड्स हैं. ठीक है, मूव करना है हमें ए टू सी, बी को यूज करना है एज एन ऑक्सिलरी पिलर. ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ एन इज इक्वल्स टू वन, अगर एन वन है मतलब एक ही डिस्क है, तो सिंपली क्या कर दो, राइट कर दो बिगिन टू एंड. बिगिन इसका नाम दिया है बिगिन, इसका नाम दिया है ऑक्सिलरी, और इसका नाम दिया है एंड. ठीक है, यहाँ पे तीन रॉड पास हो रही हैं इस टावर फंक्शन के अंदर, एन इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्क. ठीक है, बिगिन है हमारा ए, ऑक्सिलरी है हमारा बी, और एंड है हमारा सी. ठीक है, तो इफ एन इज इक्वल्स टू वन, डेफिनेटली अगर एक ही डिस्क है तो उसको क्या कर दे, सिंपल राइट कर दे बिगिन टू एंड, सिंपल इसको मूव कर दे ए से सी पे. नहीं है और रिटर्न हो जाए, नहीं है तो फिर बी क्या करे, मूव करे एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम बिगिन टू ऑक्सिलरी. अब एन माइनस वन डिस्क, जो कि ये दो डिस्क है, इनको मूव करे बिगिन टू ऑक्सिलरी. ठीक है, ये बिगिन है, यहाँ से ऑक्सिलरी पे मूव करे. कैसे मूव करेगा, देर इज अ रिकर्सिव कॉल. क्या है रिकर्सिव कॉल, अगेन टावर को कॉल किया है विद एन माइनस वन, एन था थ्री, यहाँ हो जाएगा टू, बिगिन एंड एन ऑक्सिलरी. दिस टाइम इट इज टेकिंग एंड एज ए ऑक्सिलरी पिलर. ठीक है,
एन माइनस वन को मूव कर रहा है बिगिन टू ऑक्सिलरी पे, टेकिंग एंड रॉड एज एन टेम्पररी रॉड. ठीक है, जब ये हो जाएगा देन मूव करेगा बिगिन टू एंड. जब यहाँ पे जो आखिरी डिस्क बचेगी एन माइनस वन डिस्क बी पे आ गई, देन मूव करेगा बिगिन टू एंड, दिस कॉल विल मूव दिस लास्ट डिस्क फ्रॉम ए टू सी. उसके बाद जब लास्ट चली गई, देन वापस से एन माइनस वन डिस्क जो कि ऑक्सिलरी पे पड़ी हुई है उनको मूव करें एंड रॉड पे. ठीक है, ऑक्सिलरी पे एन माइनस वन डिस्क हैं, अब इनको वापस से मूव करेगा किस पे, सी पे. ठीक है, तो उसके लिए अगेन देर इज अ रिकर्सिव कॉल विद टावर एन माइनस वन जिस टू ऑक्सिलरी से मूव करे एंड पे. ठीक है, टेकिंग बिगिन रॉड एज एन टेम्पररी रॉड. ठीक है, अब इस ही एल्गोरिथम को एक दफा ट्राई रन करते हैं एंड वी विल यूज वाइट बोर्ड. ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे मैं यही तीन नंबर ऑफ डिस्क के साथ इसी एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, जो समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, पहली कॉल क्या थी हमारे पास, पहला फंक्शन था टावर. टावर इज कॉल्ड विद एन इज थ्री, बिगिन इज ए, बी इज द ऑक्सिलरी एंड सी इज द एंडिंग डिस्क. ठीक है, क्या करना है, मूव करना है ए से सी पे. पहली कॉल है थ्री, चेक करेगा इफ एन इज इक्वल्स टू वन, नहीं एन वन नहीं है, एन इज इक्वल्स टू थ्री. देन देर आर टू रिकर्सिव कॉल्स. पहली रिकर्सिव कॉल है टावर विद टू, एन माइनस वन इज टू, दिस टाइम इट इज टेकिंग एंड एज अ टेम्पररी. ठीक है, तो एंड को टेम्पररी ले रहा है. एंड क्या है हमारे पास, एंड की वैल्यू है सी. ए से कहाँ पे मूव कर रहा है, बी पे, टेकिंग सी एज एन ऑक्सिलरी. ठीक है, ए से बी पे मूव कर रहा है, टेकिंग सी एज एन ऑक्सिलरी. ठीक है, ये वाली रिकॉल चलेगी, लेकिन मेमोरी में पॉज में कॉल कौन सी होगी, मेमोरी में एक अगेन वापस से एन माइनस वन डिस्क आएंगी. ठीक है, सेकेंड जो रिकर्सिव कॉल थी विच इज एन माइनस वन टू, देन क्या करेगा, टेकिंग ए एज एन ऑक्सिलरी, बी से मूव कर रहा है सी पे. ठीक है, बी टेकिंग ए एज एन ऑक्सिलरी एंड सी पे उसको मूव कर रहा है. ठीक है, ये वाली कॉल हमारे पास मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी. अगेन टावर कॉल चलेगी, चेक करेगा एन इज इक्वल टू वन, नो एन इज नॉट इक्वल टू वन, एन इज टू. ठीक है, अगेन देयर वुड बी टू रिकर्सिव कॉल्स. पहली कॉल होगी टावर एन माइनस वन, एन माइनस वन इज वन. ठीक है, नाउ दिस टाइम क्या करे, मूव कर दे कहाँ से, बिगिन से ऑक्सिलरी पे, टेकिंग एंड एज एन टेम्पररी. अच्छा, ये है बिगिन से ऑक्सिलरी पे मूव कर दे, टेकिंग एंड एज अ टेम्पररी. ठीक है, तो बिगिन क्या है हमारा, बिगिन है ए, ऑक्सिलरी पे मूव करे, ऑक्सिलरी क्या है हमारा, ऑक्सिलरी है सी, और टेम्पररी क्या ले रहा है ये, एंड. ठीक है, दैट इज बी. ठीक है, ए बी एंड सी. अगेन एक और मेमोरी में दूसरी कॉल होगी विद टावर ऑफ वन. ओके, नाउ दिस टाइम इसको वापस मूव करना है. ठीक है, ऑक्सिलरी बिगिन एंड एंड, ऑक्सिलरी कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सिलरी है सी, बिगिन है हमारा ए, एंड है हमारा बी. ठीक है, अब यहाँ पे टावर दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, नाउ एन इज इक्वल्स टू वन, इफ एन इज इक्वल्स टू वन सिंपली मूव बिगिन टू एंड. हमारा फंक्शन क्या था, इफ एन इज इक्वल्स टू वन सिंपली इट इज मूविंग ए टू सी, बिगिन टू एंड, बिगिन इज ए, एंड इज सी. ठीक है, देन इसकी रिकर्सिव कॉल चलेगी, ये कॉल एंड हो गई. ये कॉल एंड होने के बाद वापस से मूव करे बिगिन टू एंड, बिगिन इज ए, एंड इज बी, मूव ए टू बी. ठीक है, ये वाली रिकर्सिव कॉल कंडीशन चेक करेगा, टी इज इक्वल टू वन,
इफ एन इज इक्वल्स टू वन सिंपली राइट बिगिन टू एंड. बिगिन क्या है? बिगिन इज सी एंड इज बी. बिगिन इज सी एंड इज बी. ठीक है, अब ये वाली कॉल मेमोरी में एग्जीक्यूट होगी सिंपल राइट बिगिन टू एंड, दैट इज ए टू सी. यहाँ तक एन माइनस वन डिस्क मूव हो गई थी बी पे, देन लास्ट डिस्क जो थी एंड डिस्क हैज बीन मूव टू ए टू सी. अब ये वाली कॉल्स क्या करेंगी? वापस से एन माइनस वन डिस्क को बी से सी पे मूव करेंगी, टेकन ए एज एन ऑक्सिलरी. ओके, इफ एन इज इक्वल टू वन इट विल सिंपली राइट ए बिगिन टू एंड, बट एन इज नॉट इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू. अगेन देयर वुड बी टू रिकर्सिव कॉल. First call would be tower of 1, n minus 1 is b 1, begin end and auxiliary. What is begin? Begin is b, end is c, and auxiliary is a. Okay? Then second recursive call would be with tower. I'm not writing tower complete. T is for tower. Samajh jayega aap. 1. Okay, now auxiliary begin and end. What is auxiliary? Auxiliary is A, begin is B, and end is C. अब ये value मैंने कहाँ से ली? ये algorithm से ली. ठीक है, आप algorithm में जाके check कीजिएगा. Auxiliary value जो है वो auxiliary third one बीच वाली है. End is this, begin is this. ओके, अब कंडीशन चेक करेगा n इज इक्वल टू 1, यस n इज इक्वल टू 1. सिंपल राइट बिगिन टू एंड. बिगिन क्या है? बिगिन इज बी, बी टू सी, बी टू ए. ठीक है, एंड इज ए. ठीक है, देन बी टू सी एंड देन बिगिन टू एंड. बिगिन इज ए टू सी. ठीक है, ये हो गया. अब हम यहाँ पे तीन रॉड्स को देखते हैं कि ये इन मूव्स के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा. रॉड ए, रॉड बी एंड दिस वन इज रॉड सी. ए पे हमारे पास तीन डिस्क हैं, ए बी एंड सी. पहली मूव क्या करने को कह रहा है? पहला कह रहा है ए से सी पे मूव करो. ठीक है, ए पे जो डिस्क है उसको हमने रिमूव किया यहाँ से. द स्मॉलेस्ट डिस्क हैज बीन रिमूव्ड and it is moved to C. ठीक है, यहाँ पे दो डिस्क बची है. Then A to B. अब A पे जो डिस्क है उसको मूव करो B पे. Second largest disk has been moved to B. ठीक है, तीनों पे एक एक डिस्क है. Then क्या कह रहा है? C से वापस मूव करो B पे. C पे जो डिस्क है, C पे जो डिस्क है that has to be moved from C to B. क्या हो गया यहाँ तक? n माइनस वन डिस्क जो थी वो मूव हो गई ऑक्सिलरी पे. ठीक है, अब nth डिस्क को मूव करे a टू c पे. a पे सबसे लार्जेस्ट डिस्क है, जो थर्ड नंबर डिस्क है उसको मूव किया इसने कहाँ पे? a टू c. दिस डिस्क हैज बीन मूव फ्रॉम a टू c. अब वापस से ये वाली रिकर्सिव कॉल्स क्या करेंगी? n माइनस वन डिस्क को मूव करेंगी c पे. ठीक है, n minus 1 sources b moving to c. ठीक है, taking a as an auxiliary. सबसे पहले b to a. ठीक है, b पे जो डिस्क है, b पे right now सबसे smallest डिस्क b पे जो है वो मूव हो गई कहाँ पे? वो मूव हो गई a पे. then b to c. अब b पे जो second largest डिस्क है उसको मूव किया किस पे? उसको मूव किया c पे. ठीक है, एंड देन लास्ट इज ए टू सी. जो ए पे डिस्क है दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्क दैट हैज बीन मूव टू सी. ठीक है, दिस इज द टावर ऑफ अनोय एल्गोरिथम. इट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम. इट हैज टू रिकर्सिव कॉल. ठीक है, विद एन माइनस वन एंड एन माइनस टू. होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप रिकर्सिव कॉल विद एन इज इक्वल्स टू फोर के साथ करके देखिएगा किस तरीके से, कितने ही मूव्स के अंदर मूव्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे. ठीक है, दीज आर दी मूव्स जिन मूव के अंदर आपका डेटा मतलब एक रॉड से दूसरी रॉड में डेटा मूव हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग बैक टू दी स्लाइड्स.
ये था हमारा अल्गोरिथम। होप सो अल्गोरिथम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी की मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, जब एन था 3 तो देर आर टू रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है, विद एन माइनस वन एंड एन माइनस वन। ये वाली रिकर्सिव कॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होती है या एग्जीक्यूट होगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाली कॉल्स चलेंगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया। आप लोगों का टास्क क्या है, यू हैव टू टेक एन इज इक्वल्स टू 4 एंड अप्लाई दिस अल्गोरिथम, ठीक है। एन की वैल्यू आपने 4 लेनी है और चेक करके देखना है कि भाई कौन सी पॉसिबल मूव्स हैं जिनके अंदर आपका पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ए से रॉड सी पे मूव हो जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ये सारे मूव दिए हुए हैं, पैन इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाती हूँ, देन पीछे जो स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है वो समझाती हूँ। ओके, वापस से हम अल्गोरिथम पर चलते हैं ताकि समझ में आए कि किस तरीके से इसकी रिकर्सिव इक्वेशन बनी है। रिकर्सिव इक्वेशन बनानी सिखाई है मैंने आपको। ओके, इफ एन इज इक्वल्स टू 1, बेस केस क्या होगा, इफ एन इज इक्वल्स टू 1, सिंपली इट इज मूविंग दैट इज फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स इज ए डेस्टिनेशन सी। अगर एन वन नहीं है तो देर आर टू रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्सिव कॉल्स कैसे हैं हमारे पास, दी टू रिकर्सिव कॉल्स आर विद फर्स्ट विद टी एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन के साथ पहली रिकर्सिव कॉल है एंड सेकेंड इज ऑल्सो विद टी एन माइनस वन, ठीक है, ये भी ये दो रिकर्सिव कॉल्स हैं। अदरवाइज देर आर सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑपरेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनेगी, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टू रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है, फर्स्ट इज टी एन माइनस वन, सेकेंड इज ऑल्सो टी एन माइनस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम इट इज टेकिंग, ठीक है। तो रिकर्सिव इक्वेशन इसकी बन गई टू टी एन माइनस वन प्लस सी। इस रिकर्सिव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा किसका, टावर ऑफ हनाई पजल का, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकर्सिव इक्वेशन, रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, रिकर्सिव इक्वेशन बनी टू टी एन माइनस वन प्लस सी, टी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू वन। अगर हमारे पास कोई भी रॉड नहीं है तो इट इज जीरो, अदरवाइज इट इज वन। ओके, हमें फाइनली टी ऑफ जीरो के इक्वल रखना है ताकि हम इसके जनरल टर्म को एंड कर सकें। तो कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट की है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, अगर इसी इक्वेशन के अंदर हमें टी एन माइनस वन का टाइम चाहिए, क्योंकि टी एन माइनस वन का टाइम निकालेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा टी ऑफ एन का, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन दी हुई है टू टी एन माइनस वन प्लस सी, इसमें जहाँ जहाँ भी एन है उसकी जगह अगर हम लिखें एन माइनस वन तो हमें मिल जाएगा टी एन माइनस वन का टाइम, ठीक है। तो टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन हो जाएगा टू एज इट इज, टी एन माइनस वन माइनस वन वुड बी माइनस टू प्लस सी। अब जहाँ जहाँ भी टी एन माइनस वन है वहाँ हम क्या रखेंगे, टी एन माइनस टू प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ टी एन माइनस वन की जगह क्या पुट किया, टू आ गया बाहर, टी एन माइनस वन की जगह आया टू टी एन माइनस टू प्लस सी और प्लस सी आया ऊपर से, ठीक है। नाउ दिस टू इज मल्टीप्लाइंग विद दिस ब्रैकेट, मल्टीप्लाई किया टू इंटू टू इज फोर टी एन माइनस टू, टू मल्टीप्लाई बाय सी वुड बी टू सी, ऊपर से आ गया सी, ठीक है। अगेन इनको अभी हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि जनरल टर्म बनाएंगे तब ऐड करेंगे। अब टी एन माइनस टू की वैल्यू निकालनी है तो अगेन उसी इक्वेशन के अंदर हम टी एन की जगह क्या रख दिया, एन माइनस टू, तो क्या हो गया टी एन माइनस थ्री प्लस सी। तो जहाँ जहाँ टी एन माइनस टू है टी एन माइनस टू की जगह हमने क्या लिखा, टू टी एन माइनस थ्री प्लस सी, ऊपर से आया टू सी प्लस सी, ठीक है। नाउ दिस फोर इज मल्टीप्लाइंग विद दिस ब्रैकेट, फोर मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर, टू जा एट टी एन माइनस थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई सी वुड बी फोर सी प्लस टू सी प्लस सी, ठीक है। एक दफा इसको दोबारा से किया है, टी एन माइनस थ्री की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है तो टी एन माइनस थ्री की वैल्यू कैसे निकलेगी उस इक्वेशन में,
हमने n की जगह n माइनस 3 डाल दिया, तो ये हो गया 2tn माइनस 4 प्लस सी। इसकी जगह हमने रखा 2tn माइनस 4 प्लस सी, दिस 8 इज मल्टीप्लाइंग विद दिस, 8 इंटू 2 इज 16tn माइनस 4, 8 इंटू सी इज 8c, ऊपर से आया 4c, 2c, सी। ठीक है, यहाँ पे इन सबको ऐड कर दिया तो ये क्या बना, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 12, 13, 14 एंड 1 इज 15। ठीक है, 16tn माइनस 4 प्लस 15c। अगर हम इसकी जनरलाइज टर्म बनाएं तो जनरलाइज टर्म कैसे बनेगी, ओके अब अगर हम मैं यहाँ पे, यहाँ है 4, ठीक है, 2 पे अगर मैं पावर दूँ 4, तो ये 2 4 जा 16, ठीक है, यहाँ पे क्या दूँ 2 पावर 4 माइनस 1, ठीक है, 2 पावर 4 इज 16 माइनस 1 इज 15। ठीक है, तो जनरलाइज टर्म इसकी कैसे बनेगी, जनरलाइज टर्म इसकी बनेगी जहाँ जहाँ भी मतलब यहाँ जनरल टर्म हम इसकी बनाएंगे 2 पे पावर दी के, 2 पावर के टी एन माइनस के, क्योंकि के से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस 2 पावर के माइनस 1 सी। ठीक है, ये जनरल टर्म बन गई। अब इस जनरल टर्म को हमें सॉल्व करना है, ये रही जनरल टर्म बनी हुई है, जनरल टर्म को हमें सॉल्व करना है, दिस इज द जनरल टर्म। तो इस एन माइनस के को किसके इक्वल रखना है, जीरो के। अगर हम एन माइनस के को जीरो के इक्वल रख रहे हैं तो के किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल आ रहा है एन के, जहां जहां भी के है वहां वहां हमने एन रख दिया, के की जगह रखा 2 पावर एन, टी की जगह रखा 0 प्लस 2 पावर एन माइनस 1। ओके, टी ऑफ 0 इज 0, टी ऑफ 0 इज 0, तो ये इसको से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म हो गई 0 प्लस 2 पावर एन माइनस 1। तो द टाइम फॉर दिस टावर ऑफ हन्ना इज 2 पावर एन माइनस 1। अब अगर हम पीछे जाएं, इफ एन इज इक्वल टू 3, तो 2 पावर 3 माइनस 1 मूव्स के अंदर ये पजल सॉल्व हो जाएगा। 2 पावर 3 इज 8, 8 माइनस 1 इज 8 माइनस 1 इज 7 मूव्स के अंदर आपका ये पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इफ योर एन इज 4, 2 पावर 4 माइनस 1 मूव्स के अंदर आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। 2 पावर 4 इज 16 माइनस 1 इज 15 मूव्स। ठीक है, यही पीछे प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है, होप सो आप लोगों को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ गई होगी। पीछे चलते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इफ नंबर ऑफ डिस्क आर 1, नंबर ऑफ मूव रिक्वायर्ड 1, नंबर ऑफ डिस्क आर 2, नंबर ऑफ मूव्स आर रिक्वायर्ड 3, मिनिमम मूव। ठीक है, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं। इफ नंबर ऑफ डिस्क आर 3, तो मूव्स कितने हैं, 2 पावर 3 माइनस 1। नंबर ऑफ डिस्क आर 4, 2 पावर 4 माइनस 1। सिमिलरली नंबर ऑफ डिस्क आर 5, 2 पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 5 इज 2 into 2 16 32 2 power 5 is 32 minus 1 is 31 moves के अंदर आपका puzzle solve हो जाएगा if your n is 5। ठीक है, hope so clear होगा आप लोगों को। ठीक है, this is tower of Hanna। ठीक है, if n is equals to 4, see number of moves are 15। एन की वैल्यू हमने 3 ली थी, लेट मी शो यू ऑन द वाइट बोर्ड कितने मूव में सॉल्व हो गया था। ये पैन इज इक्वल्स टू 3, अभी हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मूव के अंदर सॉल्व हो गया था। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या निकली थी हमारे पास, 2 पावर एन माइनस 1। ओके, 2 पावर एन इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम जनरलाइज टर्म बनाएं, फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बाद जब हम इसकी जनरल टर्म बनाते हैं तो जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर एन इज एक्सपोनेंशियल, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ 2 पावर एन विच इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ठीक है, आप खुद सोचें, अभी मैंने बताया कि टावर ऑफ हन्ना इज स्टिल प्लेइंग विद एन इज इक्वल्स टू 64,
2 पावर 64 कितना बड़ी टर्म होगी, कितनी नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो जिन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है वो सबसे वर्स्ट एल्गोरिथम होते हैं, मतलब इट इज द मैक्सिमम टाइम दैट एल्गोरिथम इज टेकिंग। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू सो मच।